नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल आपके सम्मुख हूँ। नवग्रह मंथन में हम धर्म, ज्योतिष, मंत्र, रत्न इत्यादि, वेद पुराण इत्यादि से जुड़े विषय सभी पर चर्चा करते हैं, परंतु कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें आपको यदि अपने जन्म समय का आपको मालूम ना हो, आप हिंदू धर्म से ना जुड़े हों, आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम से जुड़े हों, अलग संप्रदाय से हों, पारिवारिक परिवेश अलग हो, शिक्षा इत्यादि इस ना हुई हो, थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति हो, या जैसे कुछ लोग रैशनलिस्ट हुआ करते हैं, ग्रह स्थिति का और समय का, जन्म के समय का ज्ञान न होने पर कुंडली उपलब्ध ना हो, और आपकी स्थितियां दुरु असाध्य हो रही हो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो ऐसे क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं जिनके आधार के ऊपर हम आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। आप देखते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली NCR और बड़े शहरों में एकदम से पोल्यूशन की समस्या, प्रदूषण की समस्या, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर प्रकार का प्रदूषण जो है आपके तनाव को बढ़ा रहा है। त्वचा, सांस की तकलीफ, खुजली, स्नायु तंत्र के ऊपर तनाव, विशेष करके छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर इन बीमारियों का खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी जो बीमारियाँ हैं, अगर ये लक्षण आप में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो है सुरक्षित उपाय जो आप कर सकते हैं। तो पहले बात करें हम त्वचा, खुजली या सांस की समस्या, ब्रोंकाइटिस अथवा फेफड़ों की समस्या, विशेष करके जैसे सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है दिवाली के आसपास, दिवाली हर साल जब सूर्य और चंद्र तुला राशि में होते हैं, वायु राशि है, उसमें सूर्य चंद्र होने से एकदम से ऑक्सीजन की कमी हुआ करती है, और इसमें जो है एक प्रकार से धूल, मिट्टी, इनके मिलने से प्रदूषण गंभीर समस्या के रूप में देखने को आता है। इन समस्याओं के कारण आपका काम करने को दिल नहीं करता, कमजोरी रहती है, सुस्ती रहती है। करें क्या, आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, बुधवार के दिन उपाय आप व्रत करें। व्रत करने का मन नहीं है तो बुधवार के दिन पक्षियों को जो है आप पालक मिश्रित चारा डालें, सतराजा डालें, अन्यथा पालक सुखा के, तुलसी सुखा के, मूंग चावल और काली उड़द का और जो सेंधा नमक होता है रॉक सॉल्ट, उसका मिश्रण बना के पक्षियों डालें, सर के ऊपर से घुमाए पक्षियों को डालें, मुर्गा यानी चिकन, मूली, उड़द की दाल कम खाएं, सायंकाल ठंडा दूध, दही और कोल्ड ड्रिंक्स इनको ना लें, सुखासन में बैठकर बुध बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, इस मंत्र के साथ अनुलोम विलोम की 20 आवृत्ति कम से कम करें खाली पेट, यानी खाना खाने के लगभग 3 घंटे के उपरांत, दिन में हो तो ज़्यादा अच्छा, पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर मुख करके सामने गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा रख के ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः। किसी और धर्म को आप बिलोंग करते हो तो आप मंत्र ना करें, लेकिन अनुलोम विलोम जरूर करें, तुलसी की चाय लें और बुधवार, मंगलवार और शनिवार कंजक पूजन यानी कन्या पूजन करें। आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, पन्ना और लहसुनिया त्वचा, अस्थमा इत्यादि के लिए अचूक रामबाण विधि है, पन्ना और लहसुनिया धारण करें, तुलसी की माला गले में धारण किए रहें। दूसरी समस्या एक और आती है शहरों में, आपको अपना जन्म समय मालूम नहीं है, तिथि मालूम नहीं है, समय नहीं है, आपका विश्वास भी नहीं है और आप किसी और धर्म से हैं, बार बार दुर्घटना चोट लगती हो,
ईंट या लोहे से आपको चोट लगती हो, शनिवार या मंगलवार के दिन चोट लगती हो, तो आप क्या करें इससे बचने के लिए? अपने धर्म से जुड़े धर्म स्थल पर, चर्च हो तो चर्च, नहीं तो मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच या शाम 5:30 से 7 बजे के बीच धर्मस्थल पर जाएं। बाएं हाथ में तांबे का कड़ा तथा दाएं हाथ में लोहे का कड़ा धारण करें। अपने धर्मस्थल पर मंगलवार को सूजे गुड़ या बूंदी का प्रसाद दें अथवा गरीबों को पराठा या तंदूरी रोटी गुड़ के साथ दें। मंगलवार, शनिवार और गुरुवार 3 दिन मांसाहार, खासकर बकरे का मीट इसे न खाएं। इसके विपरीत आप बकरी को घास खिलाएं, मूंगा तथा गोमेद धारण करें। मंगलवार और शनिवार यात्रा करने से पूर्व पश्चिम दिशा में बचें, विशेष करके 15 जून से लेके और 15 जनवरी के मध्य के जो 6 महीने, यदि इसमें बार बार चोट लगती हो तो सायंकाल पूर्व पश्चिम की दिशा शनि और मंगल के दिन जो है उसे अवॉइड करें। खेलों से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं, फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, बार बार चोट लगती हो तो भी आप ये उपाय करेंगे, आपकी जो इंजरी प्रोननेस है वो कम हो जाएगी। नमस्कार।